नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज बच्चों हम ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन पढ़ेंगे, कैसे उसका यूज है, क्या एप्लीकेशन है, किस टाइप से हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, ये सारी चीजों पे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन। अब कहने के लिए तो क्या सर वहां डेफिनेशन लिखने को आएगी? बिल्कुल भी नहीं आएगी, लेकिन आपको पता तो हो ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन है क्या, या बस ऐसी हवा में कोई कुछ नहीं था। तो देखिए, द रेशियो ऑफ टू और मोर देन टू अननोन एंगल आर नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन, यानी कि दो या दो से अधिक एंगल के रेशियो को ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन कहेंगे। सिंपल, जैसे साइन थीटा इक्वल टू 1/2। क्लियर है बच्चों, साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कहां होगी? अब ध्यान से देखने की बात बच्चों, आप जानते हो हर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता, दो क्वाड्रेंट में निगेटिव होता। जैसे मैं साइन और कोसेक की बात करूं तो फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव है, थर्ड और फोर्थ में निगेटिव है। टेन और कॉट फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव है, सेकंड और फोर्थ में निगेटिव है। कॉस और सेक फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव है, सेकंड और थर्ड में निगेटिव है। ये भली बात आप जानते हो। तो फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या होता है बच्चों? ध्यान से देखना एक चीज को जरा, यहाँ पे ये जीरो है, ये 90 है यानी कि पाई बाई टू, और ये है बच्चों पाई यानी कि 180 डिग्री। ठीक है साहब, मैं साइन की बात कर रहा हूं थोड़ी देर के लिए। चलिए, साइन जीरो जीरो, साइन पाई बाई टू 1 और साइन पाई अगेन 0। आप जानते हैं कि नहीं जानते? ये तो जानते होंगे। अब देखिए, 0 से 1 गया और 1 से 0 गया, तो ध्यान से देखना 0 के बाद क्या आएगा? 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.1। हाँ या ना? सपोज करो यहां 0.5 आया था चढ़ते वक्त, फिर 1 के बाद 0.9, 0.8, 0.7, 0.6, 0.5, ये फिर उतरते वक्त 0.5 आया, 0.4, 0.3, 0.2, 0.1 एंड 0। क्या बात है, यानी कि बढ़ते वक्त हमें वो वैल्यू मिली, उतरते वक्त भी हमें वो वैल्यू मिली। ये तो मैंने 0.5 तो इंडिकेट करी, कोई भी रियल वैल्यू चढ़ते हुए हमें और उतरते हुए, दोनों केसेस में चेक कर लीजिए आप, वो वैल्यू आपकी रिपीट होगी, ये बिल्कुल कंफर्म सी बात है। चलिए बच्चों आगे नोट करिए जल्दी से। बच्चों आपने देखा कि कोई भी वैल्यू दो बार रिपीट हो रही है, यानी कि चढ़ते वक्त वो मिलेगी फिर उतरते वक्त, साफ सी बात है। एक फंक्शन में एक क्वाड्रेंट में फंक्शन इंक्रीज करेगा, एक बार डिक्रीज करेगा। बात समझ में आ गई होगी क्या कहना चाह रहा हूं मैं? आपने ध्यान दिया है क्या? देखो इधर, जैसे साइन थीटा एंड साइन पाई माइनस थीटा, यानी कि साइन पाई माइनस थीटा को मैंने साइन थीटा कहा था कि नहीं कहा था? ये वैसे थोड़ी बोल दिया, इसके पीछे लॉजिक था ना, यानी कि जो वैल्यू साइन पाई माइनस थीटा की है वही थीटा की, ये दोनों वैल्यू पर दोनों एंगल पर साइन सेम वैल्यू देगा। अब जैसे यहां पर बात करी मैंने साइन थीटा इक्वल टू 1/2, ध्यान से देखना बच्चों 1/2 वैल्यू कहां मिलेगी? साइन 5/6 30 डिग्री पे होती 1/2 वैल्यू या नहीं? तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं 1/2 को, ध्यान से देखना, साइन 5/6 और भाई साइन पाई माइनस 5/6 नहीं लिख सकता क्या? हाँ साहब लिख सकते, क्यों? अरे पाई माइनस थीटा साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो आप खुद देखिए साइन पाई बाई सिक्स एंड साइन फाइव पाई बाई सिक्स दोनों पे चढ़ते वक्त आप 30 डिग्री पे 0.5 वैल्यू चेक करेंगे, इधर जब आप आएंगे 90 गए फिर इधर से उतर के, आप ध्यान से देखना जब ये 60 डिग्री इधर आ जाएंगे यानी कि 180 माइनस 30, इधर से ये 30 और ये 30, तो इधर से कितना हो गया ये 180 माइनस 30 यानी कि 150 डिग्री, सेम वैल्यू मिलेगी कि नहीं मिलेगी?
ऐसे ही अगर कॉस की बात होती तो कॉस वन बाई टू किस पे होता है, कॉस पाई बाई थ्री, और कॉस टू पाई माइनस पाई बाई थ्री पे सेम वैल्यू देता। तो हर फंक्शन दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव दो में निगेटिव ये आप जानते हो, तो एक बार वैल्यू चढ़ते हुए एक बार वैल्यू उतरते हुए उस फंक्शन में दूसरे में, यानी कि आपको सेम वैल्यू दो क्वाड्रेंट में उस फंक्शन की मिलेगी। तो एक हो गई साइन के केस में, अगर मैं कहता हूं थीटा तो दूसरी पाई माइनस थीटा। टैन के केस में कहां होती है, टैन के केस में यहां आएगी थर्ड क्वाड्रेंट में, जो ये वैल्यू यहां मिलेगी वो यहां मिलेगी, यानी कि थीटा पर एंड टैन पाई प्लस थीटा पर। कॉस के केस में कहां होगी, फर्स्ट और फोर्थ में, यानी कि थीटा पर एंड टू पाई माइनस थीटा पर सेम वैल्यू होगी। ये बात मैं समझता हूं क्लियर हो गई हो। तो आइए बच्चों अब देखें साइन थीटा इक्वल टू वन बाई टू है, तो भैया क्या क्या वैल्यू होंगी ध्यान से देखना। साइन थीटा इक्वल टू वन बाई टू यानी कि साइन पाई बाई सिक्स और साइन पाई माइनस पाई बाई सिक्स, तो साइन पाई बाई सिक्स और साइन पाई पाई बाई सिक्स, तो थीटा की वैल्यू पाई बाई सिक्स और पाई पाई बाई सिक्स, ये दो वैल्यू आई या नहीं आई, आया ना। और बच्चों ये दो वैल्यू क्यों, अब जैसे ये पाई बाई सिक्स वन बाई टू आया था हमारा, यहां पाई बाई सिक्स पे वन बाई टू आया और ये पाई पाई बाई सिक्स पे वन बाई टू आया, तो अगर मैं इस वन बाई टू पे एक राउंड काट के फिर वहीं आ जाऊं, यानी कि टू पाई प्लस पाई बाई सिक्स, आप जानते हो अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन वो राउंड काट के वापस वहीं आता है पूरा एक राउंड काट के तो सेम वैल्यू देगा, ऐसे ही दूसरे में फाइव पाई बाई सिक्स में एक राउंड काट के अगर मैं यहां आता हूं, यानी कि टू पाई प्लस फाइव पाई बाई सिक्स, जल्दी बोलो, तो भी सेम वैल्यू वन बाई टू ही होगी। तो आप ध्यान से देखिए, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, और यही थोड़ी आप घूमते रहिए पूरे दिन, पूरे दिन आप राउंड काटते रहिए, आपको बार बार ये वैल्यू मिलती चली जाएंगी। तो क्या कहूंगा फिर मैं, साइन थीटा इक्वल टू वन बाई टू यानी कि टू साइन थीटा माइनस वन इक्वल टू जीरो इज द ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन। ये क्या हो गई, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन हो गई। क्यों सर, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या बताई हमने, द रेशियो ऑफ टू और मोर देन टू अननोन एंगल आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन। जानते हो बच्चों भली बात या नहीं, यस ठीक, बात क्लियर हो गई। इस ढंग से हम ये देख रहे हो कि दो क्या, एक दो तीन चार और पता नहीं कितने एंगल ऐसे हैं जिनके लिए साइन थीटा इक्वल टू वन बाई टू ही है, इसलिए हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन कहेंगे। ठीक है साहब, अब यार एक बात पर ध्यान दीजिए, क्या आपने देखा यहां पे कि साहब ऐसे घूम घूम के हम वैल्यू निकालते रहेंगे, हमारा काम बन जाए, लेकिन कब तक घूमते रहोगे, एक काम ये तो है नहीं, तो फिर क्या करें साहब, एक ऐसा फॉर्मूला डेवलप कर ले हम कि हमें घूमने की जरूरत ना हो, उसी में हम इनपुट दबाते रहे और आउटपुट चलता रहे, ऐसा तो पॉसिबल हो सकता अगर ऐसी कोई खोजबीन कर ले। तो जो ऐसा फॉर्मूला है उसको हम बोलते हैं बच्चों जनरल फॉर्मूला, दैट आर कॉल्ड जनरल फॉर्मूला। ठीक, और सिर्फ जो जीरो से टू पाई के बीच हमने वैल्यू फाइंड आउट करी है, दे आर कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू, दे आर कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू। जीरो से टू पाई के बीच ऑब्वियस है दो क्वाड्रेंट में ही पॉजिटिव देगा, और अगर वो निगेटिव रही होती तो दो में निगेटिव होता, तो पूरे जीरो से 300 जीरो से लेकर 360 डिग्री के बीच दो क्वाड्रेंट में ही वो सेम वैल्यू देगा, तो वो जो वैल्यू होंगी दे आर कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू। और जो हम जनरल फॉर्म में यानी कि एन के टर्म में अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं तो दैट आर कॉल्ड जनरल फॉर्मूला यानी कि जनरल वैल्यू। तो बच्चों अब बार बार हम ऐसा तो है नहीं कि यहां घूमते रहेंगे इसमें, फिर क्या करें ऐसे केस में, तो ऐसे केस में हमें करना क्या है उस चीज पर ध्यान दीजिए। जैसे हमारे पास है फॉर्मूला, सॉरी फंक्शन है साइन थीटा इक्वल टू साइन एल्फा, बच्चों इसको हम कैसे लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन एल्फा, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। अब यहां मैंने एन को इंटीजर वैल्यू दे दी, अब आप इसको एन को जीरो वन टू थ्री फोर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री रखते चले जाइए और आपको सारी वैल्यू यहीं पर मिलती चली जाएंगी।
यानी कि अब आपको घूमने की जरूरत नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पे साइन थीटा इक्वल टू वन बाई टू, वन बाई टू पे हमने वैल्यू की ली थी पाई बाई सिक्स, तो थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन पाई बाई सिक्स। ध्यान से देखो बच्चों, अरे ये थीटा हो गया और ये अल्फा हो गया, ये आ गया, हो गया कि नहीं हो गया, ये थीटा और ये अल्फा। अब यहां पर चलिए एन इक्वल टू जीरो रखिए, तो जीरो माइनस वन की पावर जीरो, माइनस वन की पावर जीरो वन हो गई बच्चों, पाई बाई सिक्स। एन वन रखिए, पाई माइनस वन की पावर वन पाई बाई सिक्स, माइनस वन की पावर वन माइनस हो गया तो पाई पाई बाई सिक्स। अब एन टू रखिए, थीटा टू पाई माइनस वन की पावर टू पाई बाई सिक्स, तो टू पाई प्लस पाई बाई सिक्स। ऐसे ही एन इक्वल टू थ्री रखिए, क्या ये सारी वैल्यू मिल रही है कि नहीं मिल रही है, पाई बाई सिक्स ये आ गई, पाई पाई बाई सिक्स ये आ गई, और टू पाई प्लस पाई बाई सिक्स जो आपकी वैल्यू मैंने लिखी थी वो भी सब आ गई। आप देख रहे हो अब हमें घूमने की जरूरत नहीं है, चक्कर नहीं लगाने हमें किसी के, बस वहीं बैठे बैठे इनपुट दबाना है, इनपुट दबाना है मतलब एन की वैल्यू रखती रहने हैं और आपको किसकी थीटा की वैल्यू मिलती चली जाएगी। तो बच्चों दिस इज कॉल्ड जनरल फॉर्मूला, यानी कि जनरल वैल्यू दिस, ठीक। और इस जनरल वैल्यू में जो जीरो से टू पाई के बीच पहली दो वैल्यू आएंगी यानी कि दिस, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू, ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो गई और ये इसकी जनरल वैल्यू हो गई। अब बच्चों एक सवाल दिमाग में आ सकता है किसी के भी, क्या जैसे यही था साइन थीटा इक्वल टू वन बाई टू, अभी हमने पढ़ा कि साइन पाई बाई सिक्स और साइन फाइव पाई बाई सिक्स, भाई इस पर भी तो वैल्यू वन बाई टू होती है, तो हमने थीटा की वैल्यू फाइव पाई बाई सिक्स क्यों नहीं ली, ये पाई बाई सिक्स ही क्यों ली। तो बच्चों आप ध्यान से सुनिए इस बात, देखिए पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, अगर आप ये भी लेंगे तो भी अंतर नहीं पड़ेगा रिजल्ट पे, रिजल्ट पे अंतर क्यों नहीं पड़ेगा। आपको बच्चों कुछ नहीं करना है, जीरो से टू पाई के बीच वैल्यू चेक करो, एन इक्वल टू जीरो वन टू थ्री माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, ये वैल्यू रखते चले जाओ और आपको सेम रिजल्ट मिलेगा जो इस फॉर्मूले से मिलेगा, ये हकीकत है बिल्कुल। फिर अब साथ फिर दोनों में कैसे करें, तो एक सिमेट्री होती है, जैसे आपसे कोई कहे कि साहब चलो नंबर सुनाओ काउंटिंग सुनाओ, तो हम क्या कहेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। अब ऐसे तो नहीं कहेंगे साहब हम नाइनटी एट्टी फाइव नाइनटी थ्री नाइनटी नाइन एट ट्वेल्व, ऐसे तो नहीं बताएंगे, यानी कि एक सिस्टम होता। तो सिस्टम क्या है, यानी कि साफ सी बात है जो वैल्यू जीरो से चलते वक्त, जो वैल्यू जीरो से स्टार्ट करते वक्त एंटी क्लॉक वाइज जब चल रहे हैं, जो वैल्यू आपको पहले मिल जाएगी उस वैल्यू को हम यहां पे रख लेंगे, दूसरी वाली वैल्यू को लेने की जरूरत नहीं है, पहली वैल्यू से हमारा काम बन जाए। मैं समझता हूं ये बात क्लियर हो गई होगी, हुई है या नहीं हुई है जल्दी बोलो बच्चों, बोलिए। इस ढंग से आप सारी की सारी वैल्यू निकाल लेंगे, क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट, अगर यही सेम सीन कॉस में है तो कैसे करें। देखो बच्चों कॉस थीटा इक्वल टू कॉस एल्फा, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई टू एन पाई प्लस माइनस एल्फा, और ये ना बताना भूलें कि एन क्या है, एन बिलोंग ए इंटीजर। सेम जैसे साइन का केस लिया ऐसे कॉस का ले, अगर यही सेम टेन थीटा इक्वल टू टेन एल्फा हो तो थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस एल्फा, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटी, ठीक है सर। अब आप कहेंगे क्या कॉट सेक कोसेक के लिए भी कोई फॉर्मूला है, जरूरत ही नहीं, क्यों नहीं है जी। अगर कोई कॉट में प्रॉब्लम दी हुई है तो उसे टेन में कन्वर्ट कर लो, सेक में दी है तो कॉस में कर लो, कोसेक में दी है तो साइन में कर लो, मैं समझता कोई समस्या है, क्लियर हो गई। जैसे यहीं पे है टेन थीटा इक्वल टू वन, तो वन किस पे वैल्यू आएगी पाई बाई फोर पे, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा एन पाई प्लस पाई बाई फोर, एन बिलोंग्स टू इंटीजर,
ये बच्चों इसकी जनरल वैल्यू हो गई, और यहीं पे अगर इसकी प्रिंसिपल वैल्यू पूछता तो क्या होता भाई, ये टेन पाई बाई फोर और टेन पाई प्लस पाई बाई फोर पे भी तो सेम वैल्यू देगा ये। अरे जो वन वैल्यू है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड में देगा कि नहीं देगा, थर्ड में पॉजिटिव होता है फर्स्ट में, तो थर्ड में कहां सेम उसी एंगल पे, यानी कि पाई प्लस पाई बाई फोर, तो थीटा इक्वल टू पाई बाई फोर और पाई पाई बाई फोर, ये आंसर आपके आ गए दोनों। या भैया फिर एक तरीका ये है कि जनरल वैल्यू निकाल लो और जनरल वैल्यू में ही एन को 1 2 3 0 1 2 3 रखते चले जाओ और ये वैल्यू आपको अपने आप मिल जाएंगी। तो आप कह देना कि सिंस विच वैल्यू लाई इन द इंटरवल 0 to 2π दे आर कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू एंड दीज आर पाई बाई फोर एंड पाई पाई बाई फोर, सिंपल। बोलो बच्चों, अब इसके बाद एक और है ये, इसको भी देखिए इस फॉर्मूले को भी, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर एल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर एल्फा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर एल्फा, ठीक है जी। तो तीनों के लिए एक ही फॉर्मूला है, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस एल्फा, तीनों के लिए एक ही फॉर्मूला। जैसे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4, इसे 1/4 को बच्चों में क्या लिख दूंगा, 1/2 का होल स्क्वायर, और 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, पाई बाई सिक्स की होती है कि नहीं, तो क्या बना है यहाँ, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर पाई बाई सिक्स, बोलो साइन स्क्वायर पाई बाई सिक्स, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर दिस, तो सिंपल थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई सिक्स, ये आपका आंसर बराबर है। करिए नोट इसको जल्दी से, चलिए बच्चों कुछ चीजें और देखिएगा, यहां पे कुछ पर्टिकुलर फॉर्म है जो आपको ध्यान रखनी है। अब आप सोचेंगे कि आंसर अलग अलग कैसे हैं, जैसे देखिए इसको देखिए, साइन थीटा इज इक्वल टू 1, तो बच्चों ये 1 कहां मिलेगी वैल्यू इसकी, पाई बाई 2 पे। भाई आप ये जानते हो क्या, साइन थीटा की वैल्यू 1 कहां होती, केवल 90 डिग्री पे, तो 90 डिग्री का मतलब हो गया साइन पाई बाई 2। तो यहां से मैं क्या कहूंगा, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन पाई बाई 2 कहूंगा कि नहीं, ठीक है, बिल्कुल सही है आपकी बात। लेकिन इसी का आंसर बच्चों मैं और कैसे लिख सकता हूं, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 2, ये भी इसी का आंसर है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट। अब पता चला कि प्रॉब्लम ये आई थी साइन थीटा इक्वल टू 1, बुक में आंसर ये दिया हुआ है। अब आप सोचोगे कि साहब बुक में तो ये दिया है लेकिन आंसर तो इसका ये है, हमने तो ऐसे किया था, टीचर ने काट दिया, या बुक में ऐसे नहीं है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, ये बेसिकली एक टॉपिक ऐसा है ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन, जिसके एक से अधिक आंसर हो एक से अधिक तरीके के आंसर हो सकते हैं, एक से अधिक तरीके के आंसर हो सकते हैं और सारे आंसर सही हो सकते हैं। हर बच्चा अलग अलग तरीके से कर सकता है और आंसर सेम होंगे। बस इसका एक ही चेक पॉइंट है कि कोई सा भी फॉर्मूला हो 0 से 2π के बीच उसकी वैल्यू चेक करके देख लीजिए सिंपल। अगर 0 से 2π के बीच n की वैल्यू रख के दोनों फॉर्मूले में सेम वैल्यू आ रही है तो ठीक है, हमें कोई अंतर नहीं पड़ना। बट फिर भी ये कैसे आया है वो भी आपको समझना है तो समझ लो, कोई समस्या नहीं। देखिए बच्चों करते क्या है, ये फॉर्मूला जनरली, ये वाला जो फॉर्मूला है ये जनरली तब लगाया जाता है जब हमारी साइन थीटा की वैल्यू जो भी एंगल है वो एक से अधिक बार आ रहा है, एक से अधिक बार। जैसे साइन थीटा इक्वल टू 1/2 था तो 1/2 बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट में 5/6 पे भी आ रहा था, सेकंड में 5/6 पे भी आ रहा था, दो जगह आ रहा था। तो उस केस में इस फॉर्मूले को लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर पूरे फंक्शन में यानी कि 0 से 360 के बीच में सिर्फ एक ही पॉइंट पे अगर वो वैल्यू हमें मिल रही है तो उस केस में आप इसे ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो 2n π + π/2। क्यों 2n π, क्यों 2n π का मतलब है पूरा राउंड, n को 1 दे दो वैल्यू,
अब जैसे यहाँ पाई बाई टू पे है तो फिर दोबारा से पाई बाई टू वैल्यू साइन थीटा में कब आएगी, जब हम एक पूरा राउंड काट के आ जाएंगे यानी कि टू पाई प्लस पाई बाई टू। फिर दोबारा कब आएगी, जब हम दो राउंड काट के आ जाएंगे, फिर जब तीन राउंड काट के आ जाएंगे। तो इस ढंग से आप राउंड को काटते रहिए और आपको सेम वही वैल्यू मिलती चली जाएगी, यानी कि टू पाई एड करते चले जाओ उसमें सेम वही वैल्यू मिलेगी। इसलिए मैंने इसका अनदर फॉर्म थीटा इक्वल टू टू एन पाई प्लस पाई बाई टू भी इसका एक सॉल्यूशन है। तो बस यही ध्यान रखना है, अगर पूरे सर्किल में एक जगह वैल्यू मिलती है तो आप इस ढंग से भी उसका आंसर लिख सकते हो, यानी कि उसमें पाई बाई टू प्लस टू एन पाई लगा सकते हो, मतलब एंगल प्लस टू एन पाई। सेम यही पे आप जरा इधर देखिए, जैसे आप देखते हो यहां पे देखो कॉस थीटा इक्वल टू वन। अब वन कहां मिलेगी वैल्यू, और जीरो पर मिलेगी कि नहीं, पूरे सर्किल में जब हम काट के आएंगे तो वहीं पे तो आएगी। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, टू एन पाई प्लस माइनस जीरो, यानी कि थीटा इक्वल टू टू एन पाई, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीरियर। इसमें हमें कोई समस्या नहीं आई, इसलिए नहीं आई क्योंकि टू एन पाई, या इसे छोड़ दो, इसे भूल जाओ, आप कंफ्यूज हो गए, इसे भूलो थोड़ी देर के, पहले इसकी बात कर रहे थे, अब इसके बाद इधर आए यहां पे, या इसे भी छोड़ो, पहले साइन वाले कंप्लीट कर लो। ये बात आपको क्लियर हो गई कि हम ऐसे भी ले सकते हैं। अब इधर आइए, जीरो कहां पे मिलेगी, जीरो पे। तो थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन जीरो, तो एन पाई आया या नहीं आया थीटा बच्चों, जल्दी बोल दो भाई। चूंकि साइन थीटा जीरो दो जगह मिल रहा है मुझे, अब जीरो पे मिल रहा है और पाई पे मिल रहा है, और थोड़ी देर पहले बात कर रहा था मैं कि अगर पूरे सर्किल में एक से अधिक बार अगर वो वैल्यू मिलती है तो आप इसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, तो आपको थीटा की वैल्यू सीधी एन पाई आ गई। या वैसे भी आप चेक करो तो देखो ध्यान से भाई, जीरो पे है, फिर पाई पे है, फिर टू पाई पे है, फिर थ्री पाई पे है, यानी कि आधा राउंड काटने के बाद आपको क्या वैल्यू मिल रही है, जल्दी बोलो, आधे राउंड काट के ही वो सेम वैल्यू मिल रही है। तो मैं यहां कह दूंगा थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस फर्स्ट वैल्यू। अब यहां टू एन पाई क्यों नहीं लगाया मैंने, क्योंकि पूरा राउंड काट के वो वैल्यू नहीं मिल रही, सिर्फ आधा राउंड काट के। आप खुद देखो, एन को जीरो रखो, जीरो पे आ गई, वन रखो पाई पे आ गई, टू रखो टू पाई, यानी कि घूम के फिर वही आ गए। लेकिन कॉस के केस में आप देख रहे थे केवल पूरा राउंड काट के ही वो वैल्यू मिल रही थी, इसलिए टू एन पाई लगाया, और यहां सिर्फ आधा राउंड काट के वो वैल्यू मिल रही है, इसलिए मैंने टू एन पाई की जगह एन पाई लगाया। और इस केस में आप इसको यूज करें ना करें, चाहे आप डायरेक्ट उसी को कर लीजिए, क्योंकि ये मैं बता चुका हूं आपको, अगर किसी एंगल की वैल्यू पूरे 360 डिग्री में एक से अधिक जगह मिलती है तो आप उसका जनरल फॉर्मूला लगाए, रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं आए। केवल इस केस में जब एक जगह वैल्यू मिलती है तब आप जनरल फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो और ये भी कर सकते हो, दोनों रिजल्ट सेम। अब आ जाइए बच्चों इधर, cos थीटा इक्वल टू जीरो, जीरो कहां मिलता है बच्चों, इसमें पाई बाय टू पे, पाई बाय टू पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और कहां मिलेगा, थ्री पाई बाय टू पे भी मिलता है जीरो, भैया दो जगह मिल रहा है ना, अगर दो जगह मिल रहा है तो मैं क्या कह दूं, एन पाई प्लस पाई बाय टू कह सकता हूं कि नहीं। अब आप कहोगे यार एन पाई कैसे लगा दिया भाई, खुद सोचो, पाई बाय टू और थ्री पाई बाय टू दोनों जगह मिल रहा है मुझे, यानी कि आधा राउंड काट के ही दूसरी वैल्यू मिल जा रही है सेम जीरो की। तो अगर आधा राउंड काट के ही मिल जा रही है तो एन पाई लगा दो, क्या लगा दो, एन पाई प्लस फर्स्ट वैल्यू जिसपे हमें पहली वैल्यू पे ये एंगल मिला था, यानी कि पाई बाय टू। और वैसे कैसे लिखते हैं हम इसे, थीटा इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाय टू, ये भी बच्चों सेम रिजल्ट है, इसे चेक कर लो चाहे इसे चेक कर लो, जो बताया था जीरो से टू पाई के बीच, दोनों से सेम रिजल्ट मिलेगा। लेकिन कई बार क्या होता है, पता चला आंसर बुक में पीछे ये नहीं दिया हुआ, ये दिया हुआ है, तो आप कहोगे साहब आपने तो गलत पढ़ा, गलत नहीं पढ़ा, बात समझ में आ रही। अगर आपको वैल्यूज पार्ट एंड में बीच में कहीं मिलती है तो आप सीधा जनरल फॉर्मूला लगाओ, और अगर भैया वर्टिकल लाइन या हॉरिजेंटल लाइन पे कहीं एंगल मिल रहे हैं
तो फिर ये पर्टिकुलर केस आप अप्लाई कर सकते हो, समझिए कि नहीं। आइए cos थीटा इक्वल टू वन, वन कहां कहां मिलेगा भाई, जीरो पाई बाय टू, पाई थ्री पाई बाय टू, जीरो कहां कहां मिलेगा पूरे सर्किल में, जीरो पे तो मिलेगा। अरे बोलो, cos जीरो तो थीटा इक्वल टू टू एन पाई प्लस जीरो, यानी कि टू एन पाई। अब साहब इसमें हमने टू एन पाई लगा दिया, क्यों तो लगा दिया, अरे आप खुद सोचिए, पूरा राउंड काटने के बाद वापस जब वहां आए हम, वहीं पे तो वैल्यू मिली, तो वहीं मिली तो फिर टू एन पाई लगाऊंगा ना, तो टू एन पाई प्लस दैट वैल्यू। और जनरल वैल्यू में कैसे करते हैं हम इसको, सीधे सीधे ये जीरो पे मिल रही थी cos थीटा इक्वल टू cos जीरो, तो थीटा इक्वल टू अगेन टू एन पाई प्लस माइनस जीरो, यानी कि थीटा इक्वल टू टू एन पाई। तो आपके दोनों सेम रिजल्ट मिले, जैसे यहां से दोनों से सेम रिजल्ट मिल रहे थे, जनरल फॉर्मूले से भी और वैसे भी। जल्दी बोलो बच्चों, बात समझ में आई या नहीं आई। तो अगर पर्टिकुलर वर्टिकल लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन पर एंगल है तो आप ये वाले कॉन्सेप्ट भी ऑफ कर सकते हो, ये। और अगर वैल्यूज क्वाड्रेंट में अंदर है कहीं, तो आप सीधे सीधे जनरल वैल्यू को यूज करेंगे। मैं समझता हूं बहुत क्लियरली बात समझ में आ गई होगी, नोट करिए बच्चों जल्दी से। चलिए बच्चों देखिए, अब कुछ प्रॉब्लम्स हमें देखनी है इसकी, जैसे बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम्स है, ये एनसीईआरटी में है, 3.4 में आपको दिखा रहा हूं। टेन एक्स इक्वल टू रूट थ्री, तो इसकी मुझे प्रिंसिपल और जनरल दोनों वैल्यू बतानी है। तो आप मुझे बच्चों बता सकते हो टेन एक्स रूट थ्री कहाँ होगा भाई, एक तो आपका पाई बाय थ्री पे होगा, पाई बाय थ्री का मतलब हो गया 60 डिग्री पे, और एक इसी के सामने थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा जब, यानी कि पाई प्लस पाई बाय थ्री पे, मीन्स फोर पाई बाय थ्री पे होगा। जो एंगल मेजर करते हैं बच्चों, करते हैं यहीं से हैं हम, जीरो से एंटी क्लॉक वाइज, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से। तो क्या होगा देखिए, टेन एक्स इक्वल टू अंडर रूट थ्री, यानी कि टेन पाई बाय थ्री और टेन पाई प्लस पाई बाय थ्री। बोलो बच्चों, तो टेन एक्स इक्वल टू टेन पाई बाई थ्री और टेन फोर पाई बाई थ्री, सो पाई बाई थ्री और फोर पाई बाई थ्री आर द प्रिंसिपल वैल्यू, क्योंकि मैंने आपसे बताया था जीरो से टू पाई के बीच जो वैल्यू होती है दैट आर कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू। एंड एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाई थ्री इज कॉल्ड जनरल वैल्यू, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। टेन के केस में एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस एल्फा लेते हैं, और एल्फा में मैंने बताया था कि जो पहला वाला एंगल होगा दोनों में से वो ले, ठीक है। इधर आइए, क्या बनेगा ये, इसे अब टेन में कन्वर्ट करो। अब बच्चों देखिए, टेन फंक्शन निगेटिव कहां कहां होता, सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता कि नहीं, ध्यान से देखना है बात। टेन एक्स माइनस टेन पाई बाई थ्री, सॉरी ये वन बाई रूट थ्री होगा, और ये हो जाएगा पाई बाई सिक्स, वन ओवर रूट थ्री टेन पाई बाई सिक्स पे होती कि नहीं। अब चूंकि मैंने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो पढ़ा है टेन एक्स इक्वल टू टेन एल्फा का, और यहाँ पे क्या है टेन एक्स इक्वल टू माइनस टेन एल्फा। तो भैया पहले तो इस माइनस को खत्म करना है। अब माइनस को कैसे खत्म करें, अब ये चेक करो कि टेन माइनस होता कहां कहां, यानी कि थर्ड में और फोर्थ में। तो क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखना इसको, मैं जल्दी देखो, टेन पाई माइनस पाई बाई सिक्स और टेन पाई टू पाई माइनस पाई बाई सिक्स आया ना, बस ये बता रहा। इस माइनस को खत्म करने के लिए मुझे सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है। तो भैया आप जानते हो कि टेन पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा होता, टेन टू पाई माइनस थीटा इक्वल टू ऑल्सो माइनस टेन थीटा होता है। तो इस माइनस टेन माइनस को हटा के ऐसे नहीं लिख सकते क्या, तो सिंपल एक्स इक्वल टू सॉरी टेन एक्स इक्वल टू फाइव पाई बाई सिक्स और टेन इलेवन पाई बाई सिक्स, यानी कि एक्स इक्वल टू फाइव पाई बाई सिक्स और इलेवन पाई बाई सिक्स, दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू। कैसी है ये है प्रिंसिपल वैल्यू।
अब जनरल वैल्यू क्या हो जाएगी, एन पाई प्लस, सॉरी हाँ टेन में ही है, पाई पाई बाई सिक्स, वेयर एन बिलोंग्स टू एन की। कुछ बच्चों बात समझ में आई क्या? मैं समझता हूँ आ गई होगी। कैसे आ गई साहब? अरे जनरल वैल्यू होती है एन पाई प्लस थीटा लेते हैं कि नहीं, जल्दी बोलो। अब आइए थर्ड प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम क्या है बच्चों? कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस टू, तो मैं इसे साइन में बदल दीजिए, साइन एक्स माइनस वन बाई टू, जल्दी बोलो। अब फिर वही, ये वन बाई टू वैल्यू कहाँ पे मिलती है? फाइव बाई सिक्स पे मिलती है। फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने? साइन एक्स इक्वल टू साइन एल्फा, साइन एक्स इक्वल टू माइनस साइन एल्फा तो नहीं पढ़ा, तो यानी कि इस माइनस को फिर मुझे हटाना है। भैया कैसे हटाए? अब देखिए साइन फंक्शन कहाँ कहाँ निगेटिव है, थर्ड और फोर्थ पार्ट है, तो थर्ड में और फोर्थ में साइन निगेटिव है, तो कैसे लिखेंगे इसको हम? ध्यान से देखना, साइन पाई प्लस पाई बाई सिक्स और साइन टू पाई माइनस पाई बाई सिक्स। आप जानते हो बच्चों, साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन टू पाई माइनस थीटा ऑल्सो माइनस साइन थीटा, जानते हैं कि नहीं? तो चलिए साहब, साइन एक्स इक्वल टू ये क्या बना, साइन सेवन पाई बाई सिक्स और साइन इलेवन पाई बाई सिक्स, यानी कि एक्स इक्वल टू सेवन पाई बाई सिक्स और इलेवन पाई बाई सिक्स। बोल दो बच्चों जल्दी से। ये तो इसकी हो गई प्रिंसिपल वैल्यू। जनरल वैल्यू क्या होगी? एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन सेवन पाई बाई सिक्स, दिस इज कॉल्ड जनरल वैल्यू। यानी कि पहली जो वैल्यू आएगी, तो पहली जो वैल्यू है बच्चों, अब चूंकि पहली वैल्यू आई थर्ड पार्ट एंड में रही है, एक फोर्थ में आ रही है, तो कोई बात नहीं, थर्ड वाली को हम लेंगे। हमें तो जीरो से टू पाई के बीच जो वैल्यू होती है उनको प्रिंसिपल वैल्यू कहना, और उनमें जो पहले होगी उसको जो है जनरल वैल्यू में एड कर देना। बात समझ में आई या नहीं आई? करिए नोट इसको जल्दी से। चलिए देखिए बच्चों और देखिए थोड़ी सी प्रॉब्लम, ये आपकी एक्सरसाइज की है। फाइव नंबर क्या है? कॉस फोर एक्स इक्वल टू कॉस टू एक्स। आप बच्चों इसको थोड़ी देर के लिए थीटा, इसको एल्फा मान ले, तो क्या हो जाएगा? थीटा इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस एल्फा होता कॉस में, नहीं जनरल फॉर्मूला, तो क्या हो गया ये फोर एक्स इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस टू एक्स। बोलो, अब एक बार प्लस साइन ले लो, एक बार माइनस ले लो। तो चलिए पहले प्लस वाला देखिए, फोर एक्स ये टू एक्स इधर आ गया इक्वल टू टू एन पाई, तो टू एक्स इक्वल टू टू एन वाला लीजिए, फोर एक्स ये टू एक्स इधर आ गया इक्वल टू टू एन पाई, सिक्स एक्स इक्वल टू टू एन पाई, तो एक्स क्या हुआ बच्चों? एन पाई बाई थ्री, वेयर एन बिलोंग्स टू एन टू। बात क्लियर हो गई कि नहीं? अब आइए सिक्स नंबर प्रॉब्लम क्या है? कॉस थ्री एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस कॉस टू एक्स इक्वल टू जीरो, तो एक्स की जनरल वैल्यू क्या होगी? तो सिंपल, ये एडिशन में है सारे टर्म, तो इसमें कॉस सी प्लस कॉस डी लगाओ, तो ट्वाइस कॉस सी प्लस डी बाई टू, कॉस सी माइनस डी बाई टू माइनस कॉस टू एक्स इक्वल टू जीरो। तो ये क्या आया? टू कॉस टू एक्स कॉस एक्स माइनस कॉस टू एक्स इक्वल टू जीरो, कॉस टू एक्स कॉमन आया, टू कॉस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। यहां से बच्चों सिंप्लीफाई करके कॉस टू एक्स इक्वल टू जीरो और कॉस टू एक्स इक्वल टू हाफ। अब देखिए टू कॉस टू एक्स जीरो कहाँ मिलेगा? कॉस टू एक्स जीरो कहाँ कहाँ पे मिलता है जीरो? सॉरी ये बच्चों गड़बड़ हो गई, ध्यान से देखिएगा, जीरो कॉस कहाँ मिलेगा? पाई बाई टू पे मिलेगा, मिलेगा कि नहीं? जल्दी से देखिए, अगर ये पाई बाई टू पे मिलेगा तो टू एक्स इक्वल टू टू एन पाई प्लस पाई बाई टू। भाई जीरो की वैल्यू कहाँ कहाँ मिलती? पाई बाई टू पे मिलती है, एक तो जल्दी से बोलो किस पे मिलती है? एक तो पाई बाई टू पे मिलती है और एक जीरो थ्री पाई बाई टू पे मिलेगा, यानी कि पूरे सर्किल में दो जगह मिल रहा है, तो इसलिए उस पे एन पाई लगाएंगे न कि टू एन पाई। तो टू एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाई टू, सो एक्स इक्वल टू एन पाई बाई टू प्लस पाई बाई फोर, वेयर एन बिलोंग्स टू एन टी। ठीक है साहब, नेक्स्ट कॉस एक्स इक्वल टू हाफ। अब कॉस एक्स हाफ कहाँ मिलेगा? पाई बाई थ्री पे। सिंपल, एक्स इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई थ्री। अरे कॉस थीटा इक्वल टू कॉस एल्फा की फॉर्म बन गई कि नहीं बन गई? बोल दो बच्चों। नेक्स्ट नाइन नंबर,
साइन एक्स प्लस साइन थ्री एक्स प्लस साइन फाइव एक्स इक्वल टू जीरो। फिर भाई तीन टर्म में एडिशन दे रखा, बीच में इनको मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर लो, तो कैसे करेंगे, इसमें और इसमें लगाएंगे x और 5x में, क्योंकि इनका सम बाई टू 3x बन रहा है, मैंने बता रखा आपसे। तो चलिए साहब, ट्वाइस साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू प्लस साइन 3x, तो ये क्या बना, टू साइन 3x कॉस 2x प्लस साइन 3x इक्वल टू जीरो। अब देखिए साइन 3x कॉमन आ गया, टू कॉस 2x प्लस 1 इक्वल टू जीरो, तो साइन 3x इक्वल टू जीरो और कॉस 2x इक्वल टू माइनस हाफ। ठीक, अब साइन 3x यानी कि साइन थीटा जीरो कहाँ है बच्चों, जीरो पे, तो 3x इक्वल टू एन पाई। जल्दी बोलो भाई, जीरो पे और पाई पे दो जगह मिलता है ना, तो इसलिए हमने आधा सर्किल लगाया है यहाँ पे, क्या लगाया, आधा सर्किल एन पाई लगाया, वजह टू एन पाई के, तो x इक्वल टू एन पाई बाई थ्री। अब कॉस टू एक्स इक्वल टू माइनस हाफ, माइनस हाफ यानी कि माइनस तो रहने दो, हाफ का हाफ की वैल्यू 60 डिग्री पे कॉस पाई बाई थ्री पे। तो बच्चों अब इस माइनस को खत्म करना है, कॉस निगेटिव कहाँ कहाँ होता, सेकेंड और फोर्थ पार्ट एंड, तो सेकेंड में अगर रहता है तो मैं इसको कॉस पाई माइनस थीटा भी तो लिख सकता हूँ, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता कि नहीं, यस, तो कॉस टू एक्स इक्वल टू कॉस टू पाई बाई थ्री, जनरल वैल्यू टू एक्स इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस टू पाई बाई थ्री, सो एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई थ्री। बात बच्चों यहां तक क्लियर हुई या नहीं हुई, तो देखिए बच्चों अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं तो मैक्सिमम प्रॉब्लम मैंने आपकी करा दी है, जो बाकी बची हुई है या जो इसके 3.4 के एग्जाम्पल हैं उन्हें आप कर लेंगे, कोई बहुत टिपिकल नहीं है, कोई समस्या आएगी आप मुझसे पूछ सकते हो। अब यहां से आगे जो मैं 10 मिनट की थ्योरी आपको पढ़ा रहा हूं, ये बच्चों एक तो जो आईएससी बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए है, प्लस जो कंपटीशन ओरिएंटेड बच्चे हैं उनके लिए है, या प्लस जिनको हायर एजुकेशन बीएससी और ये वो सारी चीजें करनी है उनके लिए है, क्योंकि वो थ्योरी आपको हर जगह मिलेगी, उसकी नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी है। करिए नोट इसे जल्दी से, चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट। अब आपकी एक फॉर्म इस टाइप की है, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन है, ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा इक्वल टू सी, प्लस हो माइनस हो कुछ हो, या साइन हो या कॉस हो, आपस में इंटरचेंज हो चाहे, कोई अंतर नहीं पड़ता। तो हम क्या करते हैं बच्चों, ये जो साइन थीटा और कॉस थीटा के कोफिशियंट है ए और बी, इनके स्क्वायर के अंडर रूट से इन कोफिशियंट को डिवाइड करते हैं तीनों तरफ, ए को भी बी को भी सी को भी, तो ए और बी का स्क्वायर का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट हुआ। ठीक, अब ये जो संख्या आई है, अब इसको आपकी मर्जी है, इस पूरे फॉर्मूले को मुझे बनाना है आइदर साइन में और कॉस में, वो आप जैसे चाहे, अगर मुझे मान लीजिए साइन में बनाना है तो मैं इसे कॉस मान लू, जल्दी बोलो इसे मुझे क्या मानना पड़ेगा, कॉस मानना पड़ेगा, और इसको साइन मानना पड़ेगा, तो अगर मैंने इसको कॉस माना है तो ये ए और ये बी होना चाहिए, ध्यान से देखो ट्रायंगल में ए ओवर दिस कॉस हो गया, तो भैया फिर साइन क्या होना चाहिए, बी ओवर दिस होना चाहिए ना, तो अगली क्वांटिटी को मैंने साइन अल्फा कह, कॉस थीटा ये था ही, इधर साइन थीटा था ही, इज इक्वल टू ये जो क्वांटिटी थी इसको मैंने साइन बीटा लिख दिया, क्योंकि पूरा फॉर्मूला साइन में बना रहा है। ठीक है साहब, तो क्या बन गया, आप ये देखिए साइन थीटा ये हो गया कॉस अल्फा, कॉस थीटा और ये क्या बन गया साइन अल्फा, जल्दी बोलो इक्वल टू साइन बीटा, तो ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बना कि नहीं, यानी कि साइन थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू साइन बीटा, भैया जनरल वैल्यू थीटा प्लस एन पाई इक्वल टू एन पाई माइनस वन की पावर एन बीटा, सो थीटा इक्वल टू एन पाई माइनस वन की पावर एन बीटा माइनस ये वाला उधर जाके एल। क्लियर है बच्चे, अब इस पे बेस एक प्रॉब्लम देखिए तो आपको आइडिया लग जाएगा कैसे करना। देखिए बच्चों इधर रूट थ्री साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू टू क्या इसी फॉर्म में है या नहीं है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू सी, बी की वैल्यू वन मान लो थोड़ी देर को क्या आई वन, तो चलिए साहब कॉस थीटा का कोफिशिएंट वन साइन थीटा का कोफिशिएंट रूट थ्री, तो वन और रूट थ्री के स्क्वायर का अंडर रूट कितना हो गया टू होगा कि नहीं, तो पूरे को टू से डिवाइड कर दो, थ्री रूट थ्री ओवर टू वन बाई टू टू बाई टू टू बाई टू वन हो गया। अब इसको आपकी च्वाइस है, साइन में भी ब्रेक कर सकते हो फॉर्मूले को, कॉस में भी, मैं दोनों तरीके से दिखा रहा हूँ।
चलिए पहले मुझे साइन में बनाना, तो साइन में अगर बनाना है तो ये साइन थीटा है, तो इसकी वैल्यू को मैं कॉस में कन्वर्ट कर दूं, क्या हो गया ये कॉस पाई बाई सिक्स होगा कि नहीं, प्लस ये कॉस थीटा। और बच्चों वन बाई टू किसकी वैल्यू होती है साइन में, पाई बाई सिक्स की होती या नहीं होती, तो दोनों सेम एंगल आ गए कि नहीं आ गए, ऑटोमेटिकली आने ही आने हैं वो, इक्वल टू वन को साइन पाई बाई टू, तो फॉर्मूला क्या बन गया वही साइन ए प्लस बी, यानी कि साइन थीटा प्लस पाई बाई सिक्स इक्वल टू दिस, थीटा प्लस पाई बाई सिक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन पाई बाई टू, सो थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन पाई बाई टू माइनस पाई बाई सिक्स। बच्चों यहां तक बात क्लियर है या नहीं है, ये आपका आंसर हो गया। अब इत्तफाक से प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव में आ गई और उसने इस फॉर्म में कोई आंसर ही नहीं दे रखा माइनस वन की पावर एन के फॉर्म में, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने प्रॉब्लम गलत कर ली है, प्रॉब्लम तो ठीक करी, लेकिन अगर वो दूसरी फॉर्म में आंसर पूछ रहा दूसरा दे देंगे कैसे, इस पूरे को कॉस में बना दो, कैसे बनाएंगे साहब कॉस में, तो कॉस के लिए आप जानते हो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो चूंकि ये साइन है तो इसे भी साइन में बनाओ, तो ये हो गया साइन पाई बाई थ्री, भाई साइन थीटा साइन पाई बाई थ्री, अब ये कॉस थीटा है ये, तो वन बाई टू कॉस में किसकी वैल्यू देगा कॉस पाई बाई थ्री, सेम एंगल आ गए कि नहीं दोनों, इक्वल टू वन कॉस में किसकी वैल्यू होती है जीरो की, तो देखिए कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बना कि नहीं बना, तो कॉस थीटा माइनस पाई बाई थ्री इक्वल टू कॉस जीरो, बोलो थीटा माइनस पाई बाई थ्री इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस जीरो, अब थीटा इक्वल टू टू एन पाई प्लस पाई बाई थ्री, जल्दी बोल दो, तो ये भी आपका आंसर सही है और ये भी आंसर सही है। अब आपका ऑप्शन किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है, आप उसको कर सकते हैं। फिर सवाल ये कि साहब कैसे सही है दोनों, एक ही मंत्र बताया मैंने आप लोगों को, जीरो से टू पाई के बीच वैल्यू चेक कर लीजिए दोनों फॉर्मूलों के, एन इक्वल टू जीरो वन टू माइनस वन माइनस टू ऐसे रख के, दोनों से सेम वैल्यू आ रही है तो ऑब्वियस है सेम रिजल्ट है, ठीक है, नोट करिए इसको जल्दी से। चलिए बच्चों देखिए ये लास्ट कॉन्सेप्ट है आपका इसका ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन का, क्या है साहब, वन वेरिएबल एंड टू इक्वेशन, यानी कि वेरिएबल एक है और इक्वेशन दो है और उसमें मोस्ट जनरल वैल्यू पूछ रहा है, मोस्ट जनरल वैल्यू का मतलब है जनरल फॉर्मूला क्या होगा उस केस में, तो देखिए साहब पहला है साइन थीटा इक्वल टू, सॉरी पहला नहीं मतलब प्रॉब्लम है साइन थीटा इक्वल टू वन ओवर रूट टू एंड टेन थीटा इक्वल टू माइनस वन, कहने का मतलब इसका ये है कि भैया थीटा की वो वैल्यू बताइए जो दोनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई कर सके, यानी कि जिसके लिए साइन थीटा वन ओवर रूट टू हो टेन थीटा माइनस वन, यानी कि वो हमें कॉमन वैल्यू बतानी है दोनों, ठीक है साहब, तो चलिए साइन थीटा वन ओवर रूट टू कहाँ कहाँ होगा, पाई बाई फोर पे, और साइन पाई माइनस पाई बाई फोर पे भी तो होगा, तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या आ गई पाई बाई फोर और थ्री पाई बाई फोर आया ना, टेन थीटा इक्वल टू माइनस वन, यानी कि टेन थीटा इक्वल टू माइनस वन की वैल्यू रख दो टेन पाई बाई फोर, अब चूंकि इस माइनस को खत्म करना है जैसे हमने डिस्कस कर चुके हैं अभी तक, हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है जिसमें टेन थीटा इक्वल टू माइनस टेन अल्फा हो, तो माइनस कहाँ कहाँ होता है हमारा टेन फंक्शन, भैया सेकेंड पार्ट एंड में होता है फोर्थ में होता, तो इस माइनस को खत्म करने के लिए मुझे सेकेंड और फोर्थ में जाना है, यानी कि इसे क्या लिख सकता हूं मैं टेन पाई माइनस थीटा पाई बाई फोर मतलब, और टेन टू पाई माइनस पाई बाई फोर, तो क्या बना यहां से थीटा की वैल्यू थ्री पाई बाई फोर एंड सेवन पाई बाई फोर, जल्दी बोलो बच्चों आई या नहीं आई, आई है, पहले में थीटा की वैल्यू क्या आई थी पाई बाई फोर साइन के केस में एंड थ्री पाई बाई फोर, जल्दी बोलो टेन थीटा के केस में क्या क्या वैल्यू आई, जल्दी देखो टेन थीटा के केस में क्या क्या आई थ्री पाई बाई फोर एंड सेवन पाई बाई फोर, मैं समझता हूं बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा, बोलो अरे क्या ये वैल्यू हमारी कॉमन नहीं है क्या जो दोनों को सेटिस्फाई कर रही है, जिसके लिए साइन थीटा वन ओवर रूट टू है और जिसके लिए टेन थीटा माइनस वन है ना ये वैल्यू, तो भैया इस पर टू एन पाई प्लस दैट वैल्यू ये इसकी मोस्ट जनरल वैल्यू हो गई, बोलो बच्चों हमने क्या करा
साइन थीटा की प्रिंसिपल वैल्यू निकाल ली, ऑब्वियस है दो वैल्यू आएंगी। टेन थीटा इक्वल टू माइनस वन की प्रिंसिपल वैल्यू निकाल ली, ऑब्वियस है दो वैल्यू आई। और दोनों में से पहले की दोनों दूसरे की दोनों में से एक वैल्यू हमारी कॉमन आ गई सेकेंड पार्ट एंड में, यानी कि थ्री पाई बाई फोर, थ्री पाई बाई फोर। तो ये बच्चों दोनों कौन साइड कर गए कि नहीं, तो ये वैल्यू ऐसी होगी जिस पर आपका टेन और साइन दोनों सेम वैल्यू देगा। ठीक, तो इस वैल्यू पे मैं टू एन फाइव लगा दे रहा हूं, आपका मोस्ट जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। आप क्लियर है या नहीं है? यस। तो बच्चों इस ढंग से हमारी ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन इसकी थ्योरी कंप्लीट हो गई। एनसीईआरटी की प्रॉब्लम मैंने इसी में आपको करा दी है। अब इसके अलग आईआईटी लेवल पे मुझे कुछ प्रॉब्लम्स आपको करानी है जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। क्लियर है बच्चों? चलिए, थैंक यू आज के लिए। हैव ए नाइस डे। ओके बच्चों।